राजस्थान सरकार साल एक फैसले अनेक की थीम पर वर्षगांठ मना रही है। गहलोत सरकार अब कुछ बड़े फैसले नीतिगत आधार पर ले रही है, जिनसे निवेश बढ़ने की पूरी संभावना है और इसके तहत राजस्थान सरकार नई औद्योगिक पॉलिसी, निवेश प्रोत्साहन योजना, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा नीति जारी करने जा रही है। नई नीतियों में प्रदेश में उद्यम लगाना सरल होगा, छूट के प्रावधान भी इतने होंगे कि निवेशक को राजस्थान के अलावा कहीं और निवेश करना महंगा लगेगा। देखिए रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था की मंद चाल के बावजूद प्रदेश सरकार को उम्मीद है कि नया निवेश मरुधरा में आएगा। इसके लिए एक साथ चार बड़े फैसले धरातल पर उतरने जा रहे हैं। घरेलू और विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार चार योजनाओं को एक मंच से एक साथ लागू कर रही है। राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019, सौर ऊर्जा नीति 2019 और पवन ऊर्जा नीति 2019 इसमें शामिल हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का निवेश और 20 लाख रोजगार देने का इसमें लक्ष्य है। एमएसएमई, उद्योग रत्न और एक्सपोर्ट अवार्ड के जरिए प्रोत्साहन मिलेगा। उद्योग मंत्री परसादी लाल मीणा का कहना है कि कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादे हकीकत बनकर उतर रहे हैं। प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को नीतिगत आधार पर सरकार भुनाने की कोशिश करेगी। यहां निवेश करना उद्यमी के लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। हमारी नई जो इंडस्ट्री पॉलिसी ला रहे हैं, जो हमारे चुनावी घोषणा पत्र का अंश है, हम उसके अनुसार उनकी बात करके उस इंडस्ट्रीज पॉलिसी में अमेंडमेंट कर रहे हैं। रिप्स भी हम उसके साथ ला रहे हैं, जिससे लोगों को प्रोत्साहन कैसे मिले उसको एक तरह से नया डेवलप कर रहे हैं, जिसके बाद लोगों के लगेगा कि राजस्थान में अब उद्योग लगाने में कोई कठिनाई नहीं है। राजस्थान की यूनिक सेलिंग प्वाइंट 48,399 एकड़ विकसित औद्योगिक भूमि, 40,000 औद्योगिक इकाइयों में उत्पादन, 20,000 एकड़ का औद्योगिक लैंड बैंक, एग्रो, मसाला, स्टोन्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, मिनरल बेस्ड विशेष पार्क, 6 सेज, 8 इनलैंड कंटेनर डिपो और 1 एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उम्दा स्थान, देश का दूसरा सबसे अधिक क्रूड ऑयल उत्पादक प्रदेश, कुशल मानव श्रम, शांत औद्योगिक वातावरण और उम्दा परिवहन की सेवाएं। ग्रोथ पर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर अब तक 75,000 करोड़ का निवेश कर चुका है। पिछले साल 11,589 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट, चालू वित्त वर्ष में 6,500 करोड़ रुपए का नया निवेश, प्रदेश भर में 38 लाख लोगों को रोजगार अवसर, राजस्थान में 8 लाख रजिस्टर्ड एमएसएमई इकाइयां। गहलोत सरकार इस कार्यकाल में नए निवेश एमओयू करने से पहले नीतिगत मजबूती पर ध्यान दे रही है। चीन, कोरिया, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन सहित कई देश के बड़े औद्योगिक घरानों के प्रस्ताव भी नई नीतियों के सहारे तेज गति से दौड़ने की उम्मीद है। प्रदेश में रिफाइनरी भी नई संभावनाओं को पैदा करेगी। प्रदेश के उद्यमियों का कहना है कि सरकार अपना यह सपोर्टिव नजरिया आगे भी जारी रखे, ताकि नए निवेश के साथ बेहतर रिटर्न्स के समय भी सहयोग बना रहे। साल एक फैसले अनेक की तर्ज पर राजस्थान सरकार नीतिगत पहल कर रही है। चार बड़ी नीतियां राजस्थान के औद्योगिक निवेश को बढ़ाने के लिए लाई जा रही है। इनमें सहजता, सरलता और उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि बड़ा निवेश आएगा, लेकिन कोशिश निवेशकों तक पहुंचने की भी करनी होगी। वीडियो जर्नलिस्ट देव के साथ अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। और इसी के साथ